नमस्कार दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति में आज हम देखने वाले हैं नगर महल और हवेलियों से संबंधित पैंसठ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी के सभी क्वेश्चन जो पैंसठ पर्सन आज की इस क्लास में मैंने लिए हैं सभी गत एग्जामों के अंदर आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों इसलिए अंत तक आप सभी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल कुचमन ऑनलाइन क्लासेज पर जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार सभी मित्र लाइक और शेयर जरूर कर दें इसके साथ दोस्तों सभी आप कला संस्कृति के सभी टॉपिकों के प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है मित्रों प्ले लिस्ट में जाइए राजस्थान कला संस्कृति प्रश्न वहां पर आपको हर एक टॉपिक के प्रश्न मिल जाएंगे और पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डाउनलोड कीजिए और वहां से पी से पढ़िए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है प्रयोगशाला सहायक 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया है साथ में कौन सी भर्ती में क्वेश्चन आया हुआ है लिखा जाएगा दोस्तों तो हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है शरद मंदिर प्रकाश मंदिर हवा मंदिर या प्रताप मंदिर शरद मंदिर एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर दो की ओर चलते हैं चांद बावड़ी कहां स्थित है आंबेर सीकर आभानेरी या तिलवाड़ा चांद बावड़ी है जो आभानेरी के अंदर है तीन नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीन आबानेरी ने रितेता राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के किस काल के हैं दोस्तों आबानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो किस काल के हैं दोस्तों गुहिल सिसोदिया राठौड़ चौहान या गुर्जर प्रतियार सही रहेगा चार नंबर ऑप्शन गुर्जर प्रतियार नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चार चोखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है जोधपुर बीकानेर जैसलमेर या रणथंबोर किसमें हैं जोधपुर दुर्ग में ऑप्शन जोधपुर किले में एक नंबर सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पाँच पटे पटुओं की हवेली का निर्माता निम्न में से कौन था जो पटुओं की हवेली है उसका निर्माता दीवान नथमल दीवान सालिम सिंह गुलाम चंद पटवा या जोरावर मल पटवा कौन था दोस्तों गुलामचंद पटुआ तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर छः मुगल यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय किस मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक मेल है वो कहां पर स्थित है टोंक जयपुर स्वायमादोपुर या जालावाड़ जयपुर के अंदर ऑप्शन दो आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सात की ओर चलते हैं कूट सुमेलित नहीं है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है तो देखिए इकमिनार मस्जिद जोधपुर सही है उषा मस्जिद बयाना सही है पीर दुलेसाह जालोर गलत है नलियासर मस्जिद सांबर ये भी सही है तो तीन नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली में स्थित है कहां पर बाड़मेर बीकानेर चित, चित्तौड़गढ़ या जैसलमेर जैसलमेर के अंदर चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था नागौर अजमेर बयाना या खाटू कहां पर नागौर के अंदर एक नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं डिग के महलू का निर्माण किसने करवाया महाराजा जवाहर सिंह ने महाराजा बदन सिंह ने महाराजा सूरजमल ने या महाराजा मान सिंह ने डीके मेलू का निर्माण किसने करवाया था महाराजा सूरजमल ने तीन नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई हुमायूं जहांगीर शाहजहा अकबर किन के द्वारा अकबर के द्वारा चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बारह चल फिर शाह की दरगाह चल फिर शाह की दरगाह है राजस्थान में कहा स्थित है चित्तौड़गढ़ अजमेर नागौर या जयपुर कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ के अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है बीकानेर सुजानगढ़ खेतरी या किशनगढ़ कहाँ पर है दोस्तों सुजानगढ़ के अंदर है दानचंद चोपड़ा की हवेली नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है जरीना का मकबरा कहां है अजमेर भीलवाड़ा नागौर या धोलपुर कहां पर है राजस्थान में जरीना का मकबरा धोलपुर के अंदर चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह बाबा का लोकप्रिय नाम है गोगा मेडी मंदिर गरीब नवाज दरगा नरहड़ दरगा निजामुद्दीन ओलिया क्या नाम है दोस्तों नरहड़ दरगाह सक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम नरहड़ है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं खवाजा इसमुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है माउंट आबू सांबर लेक अजमेर या कपासन सांबर लेक के अंदर खवाजा इसमुदीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है सांबर लेक में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह बच्छाउ तू रामपुर या गुलच्छा कि हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ पर स्थित है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से एक से भी क्वेश्चन आ सकता है वापस जैसलमेर सिक्कर जोधपुर या बिकानेर सही रहेगा चार नंबर ऑप्शन बिकानेर में नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट होल नाम है किसका है उदयपुर के एक सभागार का जयपुर की एक रंगमहल रंगशाला का जयपुर के एक संग्रहालय का आबू में एक हॉल का जहां अंग्रेज क्रिसमस मनाते थे सही रहेगा ऑप्शन नंबर तीन जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है अल्बर्ट होल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अल्बर्ट होल कहां पर स्थित है तो अभी अभी हमने ऊपर देखा है दोस्तों जो अल्बर्ट होल है वो कहां पर है जयपुर के अंदर स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर बीस दोस्तों देखिए बीस नंबर बीस नंबर क्वेश्चन है एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद आगे देखिए दोस्तों खुली छतें मौके सहित पहरा चौकियां परकोटे में तिरंदाजु के लिए जीरिया जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार प्रतिकार किया जा सकता है तो कौन सा मेल है ये दोस्तों ये है आपका बादल मेल जैसलमेर चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर इक्कीस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है सोमदेव जेता नाता यात्री कवि कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता जेता है दो नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जंबूकरण कहलाता था जम्बुकरण कौन सा क्षेत्र कहलाता था दोस्तों प्राचीन काल में केशोराय पाटन कोलायत कुमेर या मेनाल केशोराई पाटन एक नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर आभानेरी दोसा में स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती है नोलक्का बावड़ी की नार, बाव, की बावड़ी 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 चांद या अनार, अनारली अनारली बाव किस नाम से आभानेरी दोसा की प्राचीन बावड़ी चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि है छ सौ उनबे ईस्वी छ सौ निन्यानवे ईस्वी सात सौ उनबे ईस्वी या सात सौ निन्यानवे ईस्वी चौबीस नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर जो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है उसकी तिथि है दोस्तों छ सौ उनबे ईस्वी एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पच्चीस अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था प्रथम मराठा सरदार कौन था दोस्तों सही बता देता हूँ आंसर आपको ऑप्शन नंबर दो रहेगा राजा साहु शिवाजी के पोत्र थे ये राजा साहु जिन्होंने अजमेर में खवाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेट भेजी थी पहले मराठा सरदार थे ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर छब्बीस राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है किशनगढ़ डिग अजमेर या पुष्कर पुष्कर के अंदर जहांगीर के मेल स्थित है चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सत्ताईस जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी विद्याधर भट्टाचार्य ने मिर्जा इस्माइल ने कर्नल जेम्स टोड ने राजकुमार अल्बर्ट ने किसने बनाई थी दोस्तों जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने मिर्जा इस्माइल ने दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं राजपुत्तू के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों पर हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे वे प्रकृति प्रेमी थे वे नगर जीवन से में गृणा करते थे वे बर्बर -बर थे सही रहेगा ऑप्शन नंबर एक वहां शत्रुओं के लिए विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर उनतीस। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण छत्री स्थापत्य का नहीं है मंडोर के देवल जोधपुर सहेलियों के बाड़ी उदयपुर गेटोर जयपुर फतेह गुमंद अलवर तो छतरी की बात हो रही है तो तीनों छतरिया एक तीन चार जबकि सहेलियों की बाड़ी एक पार्क है, है, है? उदयपुर बूंदी कोटा या अलवर कहां स्थित है दोस्तों मुंशी रानी की अलवर के अंदर चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रसिद्ध चौरासी खंबू की छतरी कहां स्थित है प्रसिद्ध चौरासी खम्बू की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है कोटा झालावाड़ जयपुर या बूंदी बूंदी के अंदर चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर चलते बत्तीस की ओर निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिए सालिम सिंह की अवेली जैसलमेर नतमल की अवेली जोधपुर ब्रह्म मंदिर पुष्कर मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ गलत की बात है कि गलत युगम को पहचानना है तो नथमल की अवेली जोधपुर ये गलत है आपका दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रसिद्ध पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है पंसारी की हवेली है वो कहाँ स्थित है दोस्तों सिक्कर के अंदर है ये या आपको याद होगा तो सिक्कर का ऑप्शन है चार नंबर श्रीमाधोपुर सिक्कर में प्रसिद्ध पंसारी की हवेली स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है नवलगढ़ मुकंदगढ़ पिलानी या जैसलमेर सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है जैसलमेर के अंदर चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है दिन दिन का दिन का सभी मित्रों को पता है कहां पर है अजमेर के अंदर स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जंतर क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन है भूल भूलिया है म्यूजियम है जादू विद्यालय या वेदशाला है जंतर मंत्र क्या है दोस्तों एक वेदशाला है चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सवाई माधो सिंह ने अपने नौ पासवानों के लिए एक समान नौ महल बनवाए थे यह किस किले में स्थित है जयगढ़ नारगढ़ बानगढ़ या आमेर कौन से किले के अंदर है ये नाहरगढ़ किले में दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं रावत गढ़सी सिंह द्वारा निर्मित सर तालाब जो कि अपने कलात्मक प्रवेश द्वार और छतरियों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है ये सर तालाब जैसलमेर जोधपुर अजमेर या बीकानेर कहां पर है दोस्तों जैसलमेर में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर उनचालीस ऐतिहासिक झाड़ा तालाब कहाँ स्थित है नागौर अजमेर उदयपुर या जालोर बात कर रहे हैं झाड़ा तालाब की जाड़ा तालाब नागौर में स्थित है दोस्तों एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर चालीस सुपी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है हमीदुद्दीन नागौरी की जो दरगाह है नागौर में है जयपुर में है अजमेर में है या डूंगरपुर में नागौर में है दोस्तों एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन सह नंबर इकतालीस नाथ द्वारा के बारे में सत्य कथन है नाथ द्वारा के बारे में सत्य कथन बताना है देखिए दोस्तों पुष्टि मारिक वैष्णो का प्रमुख स्थल है यहाँ पर कर्शन की उपासना उनके बाल रूप में की जाती है ये बनास नदी के किनारे बसा हुआ है यहाँ पे एक नंबर और दो नंबर सही है तो केवल एक और दो सत्य कथन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर बयालीस निम्न कथनों पर विचार कीजिए पहला है उदयपुर में स्थित गुलाब बाग संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया नहीं दोस्तों उदयपुर स्थित सहलियों की बाड़ी का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया ये भी गलत है दोस्तों यहां पर दोनों ही है सत्य चार नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं निम्न छत्रियों को सुमेलित कीजिए जो छतरियां हैं वो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है दोस्तों तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं गेटोर की छतरी कहाँ पर है जयपुर के अंदर है जसवंत थड़ा है ये जोधपुर में है दोस्तों छत्र छत्रविलास बाग है कोटा के अंदर और बड़ा बाग है जो जैसलमेर के अंदर स्थित है सही रहेगा एक नंबर कोट आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर चवालीस मौर्य राजा मान द्वारा मानसरोवर तालाब बनाया गया ये कहां स्थित है मानसरोवर तालाब चित्तौड़गढ़ के निकट हनुमानगढ़ के निकट झालावाड़ के निकट या जयपुर के निकट कहा स्थित है मित्रों चित्तौड़ के निकट ऑप्शन एक सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर पैतालीस कन्न सवा के सिवा लेख कहा स्थित है कोटा जयपुर डूंगरपुर या नागौर कन्नसवा के सिवा लेख कहां पर स्थित है कोटा के अंदर एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर छियालीस की ओर चलते हैं मित्रों छियालीस नंबर अजमेर नगर की स्थापना किसने और कब की अजयराज चौहान ने अर्णोराज ने विग्रहराज प्रथम ने या वासुदेव ने बात अजमेर की हो रही है तो अजय अजमेर को किसने बसाया था अजयराज चौहान ने ग्यारह सौ इकतीस ईस्वी के अंदर एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा बात करते हैं यहाँ पर आगे हम आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया अजयराज अर्णोराज विग्रहराज या वासुदेव तो आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अड़तालीस कोलवी के बारे में सत्य कथन है कोलवी की गुफाएं कोटा जिले में स्थित है पहले यह देखिए दोस्तों यहां पे पूछा है कि कोलवी के बारे में तो कोलवी की गुफाएं कोटा जिले में स्थित है तो यह गलत है दोस्तों ये कर्षण की लीलाओं के चित्रण के से काफी प्रसिद्ध है यह भी गलत है दोनों में से कोई नहीं सही रहेगा चार नंबर ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर उनपचास की ओर गलिया कोट के बारे में सत्य कथन को छांटिए देखिए गलिया कोट कहा स्थित है डूंगरपुर में है तो डूंगरपुर में माही नदी के किनारे गलिया कोट स्थित है वर्तमान में दाहउदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है यह संत फकरुद्दीन की दरगाह स्थित है यह भी सही है तो तीनों के तीनों यहाँ पे सॉरी मित्रों तीनों के तीनों सत्य हैं तीन नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर पचास निम्न में से कौन सा सुमेलित है इनमें से सुमेलित कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों तो देखिए दोस्तों पहला है जैत सागर बूंदी सही है नवल सागर कोटा गलत फूल सागर जयपुर गलत रानी जी की बावड़ी डूंगरपुर गलत केवल एक एक नंबर ही सही है यहाँ पे तो ऑप्शन ए सही रहेगा क्वेश्चन नंबर इक्यावन की ओर चलते हैं इक्यावन नंबर मध्यकाल में राजस्थान का कौन सा स्थल नील की खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था मध्यकाल की बात हो रही है बयाना जयपुर बीकानेर या ब्यावर मध्यकाल में राजस्थान का कौन सा स्थल है जो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था बयाना ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बावन की ओर चलते हैं बाडोली के बारे में निम्न में से सत्य कथन है देखिए दोस्तों कौन से सत्य हैं वो आपको यहाँ पे बाडोली के बारे में बताना है पहला है दोस्तों ये स्थान चित्तौड़गढ़ जिले में हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है पहला क्या है कि जो स्थान है बाडोली ये चित्तौड़गढ़ जिले में है और हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है तो ये सत्य है दोस्तों इन मंदिरों से लोगों को सबसे पहले परिचय कर्नल जेम्स टोड ने करवाया ये भी सही है ये मंदिर गणेश शिव और महिषासुर मर्दिनी की को समर्पित है ये भी सही है सही रहेगा यहाँ पे तीन नंबर ऑप्शन सभी ऑप्शन सही है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है आपको यहाँ पर यह बताना है दोस्तों सुमेलित नहीं है देखिए दोस्तों लाड लाडियों, लाडियों की हवेली मंडावा सुमेलित है सेटू की हवेली चूरू ए सुमेलित पूछा ना कौन से सुमेलित नहीं है तो ये सुमेलित नहीं है सालिम सिंह की हवेली झुनझुनू ये भी नहीं नतमल की हवेली जैसलमेर ये सुमेलित है तो यहां पे यह सुमेलित कौन से हैं दो और तीन सही रहेगा एक नंबर ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अचलगढ़ के बारे में सत्य कथन है कौन सा है दोस्तों देखिए पहला है ये पूर्व मध्य काल में परमारू की राजधानी रहा सही है कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी मंदिर यहीं पर स्थित है यह भी सही है चारण कवि दुर्सा आडा ने स्वयं की पीतल की मूर्ति यहीं बनवाई थी ये भी सही है तो यहाँ पे तीनों के तीनों के आपके सत्य तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पचपन पौधारू की सोने की दुकान जो कि हरचंद पोदार ने बनवाई थी कहाँ स्थित है महनसर में भीनमाल में पोकरण में उक्त में से कोई नहीं पौधारों की सोने की दुकान है ये महनसर के अंदर स्थित है क्वेश्चन नंबर छप्पन तोला राम जी का कमरा जिसे देखने के लोग लिए लोग दूर दूर से आते हैं कहाँ स्थित है तोला राम जी का कमरा कहाँ स्थित है दोस्तों ये भी महनसर में है तो याद रखना पौधारों की सोने की दुकान और तोला राम जी का कमरा दोनों के दोनों दोनु महनसर में है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं रणकपुर के बारे में सत्य कथन है कौन सा कथन है दोस्तों देखिए पाली जिले में स्थित रणकपुर का मुख्य मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव का है सत्य है दोस्तों इस मंदिर का चौमुका मंदिर भी कहते हैं यह भी सत्य है इस मंदिर का निर्माण सेठ धनरक शाह ने महाराणा कुंभा के समय करवाया ये भी सही है इस मंदिर का शिल्पी देपाक है यह भी सही है चारों के चारों कथन सही है तीन नंबर ऑप्शन सभी सत्य हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं रामदेवरा में रामदेव जी का मेला कब से कब तक भरता है कल भी बता दिया था भाद्रपद शुक्ल पक्ष में द्वितीय से लेकर एकादशी तक एक नंबर ऑप्शन देखिए सही रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर उनसठ गलत युगम को चुनिए जलराशि और स्थान के बारे में है तो गलत युगम है उसको आपको चुनना है सबसे पहले देखिए दोस्तों गेप सागर है जो डूंगरपुर के अंदर है सही है ये कायलाना जोधपुर के अंदर है चांद बावड़ी दोसा के अंदर है गढ़ी सर बीकानेर में नहीं है कहां पे है जैसलमेर में कहां पे है जैसलमेर में तो चार नंबर ऑप्शन है जो आपका गलत युगम है सही रहेगा ऑप्शन नंबर चार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है कौन से जिले में है दोस्तों दोसा guidance... के अंदर एक नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तालाब तालाबेसाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबधार ने करवाया जलाल खां अमीर खां सुहेल खां हामिद खां तालाब शाही का निर्माण है जहांगीर के किस मनसबधार ने करवाया था सुहेल खां ने तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बासठ राजस्थान में चुंदी तीर्थ स्थित है चुंदी तीर्थ राजस्थान में कहाँ स्थित है जैसलमेर के अंदर एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर तिरसठ दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है आबू रोड माउंट आबू रणकपुर या ब्यावर जैन मंदिर दिलवाड़ा के कहां पर स्थित है माउंट आबू के अंदर दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर चौसठ की ओर चलते हैं मित्रों चौसठ नंबर क्वेश्चन है हमारा चूहू का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है जयपुर जोधपुर अजमेर या बीकानेर करणी माता का मंदिर बीकानेर में बीकानेर के देशनोक में नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर पैंसठ है आपका किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत है आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना मित्रों बाडोली के मंदिर किस शैली से निर्मित है नागर दरविड़ बेसर या पंचायतन जो बाडोली के मंदिर है वो पंचायतन शैली में निर्मित है तो कैसे लगे ये क्वेश्चन एक बार कमेंट करें जिन साथियों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत